आज है हमारे पास ओप्पो का एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन ओप्पो A52। और ये जो फ़ोन है आपको मिलता है 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज के साथ। और इस फ़ोन का जो प्राइस रखा गया है वो है 16,990 रुपये। इस फ़ोन का जो कलर है हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ब्लैक कलर। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो पसंद आता हो तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ और मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि ओप्पो A52 जो है यहाँ पर हम लोगों को किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो बॉक्स पैकिंग जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको मिलता है ओप्पो A52। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉक्स कंटेंट्स है सो देख लें कि साथ में हम लोगों को क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक सिम ट्रे निकालने का टूल मिल जाता है, यहीं पे आपको वारंटी कार्ड और क्विक कैट और एक सिलिकन केस भी देखने के लिए मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को फ़ोन रखा हुआ देखने के लिए मिलता है और इसको हम लोग साइड करेंगे और आगे बढ़ते हैं तो यहीं पे हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पे 18 वाट आउटपुट वाला ट्रेबल अडाप्टर देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ में आप देखें तो आपको ईयरफोन भी इस फ़ोन में दिया गया है, बट क्वालिटी जो होता है ओप्पो का ईयरफोन का काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलता है। यहीं पर आपको USB 2 Type-C डेटा केबल मिल जाता है। तो चलिए इन सब चीज़ों को फ़िलहाल साइड करते हैं और अब बात करते हैं हम लोग इस फ़ोन के बारे में। तो फ़ोन जो है फाइनली ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम लोग इसे स्टिकर्स को भी निकाल लेंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग इस फ़ोन के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये मिलता है ब्लैक कलर में और ये जो कलर रिफ्लेक्शन है यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। यहीं पे आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, मेन जो कैमरा है आपको मिल जाता है 12 MP का, दूसरा कैमरा मिलता है आपको 8 MP का और ठीक तीसरा कैमरा जो है आपको मिलता है 2 MP का डेप्थ लेंस और 2 MP का माइक्रो लेंस यहाँ पर दे रखा है। चलिए अब फोन के करते हैं फिजिकल ओवरव्यू। तो यहाँ पे आपको 3D क्वाड ग्लास से बना हुआ बैक पैनल मिलता है और इसका रिफ्लेक्शन और डिजाइन काफी यहाँ पे आपको बढ़िया देखने के लिए मिलता है। इस फोन के बॉटम साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है 3.5 mm लगाने का ऑप्शन। ठीक उसके साइड में देखें तो आपको मिल जाता है नॉइस कैंसलेशन माइक, Type-C USB चार्जिंग पोर्ट लगाने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको डुअल स्टीरियो आउटपुट स्पीकर भी देखने के लिए मिल जाता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फ़ोन के टॉप साइड पे। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं मेंशन करा है। फ़ोन के लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो आपको मिलता है वॉल्यूम कीज और साथ में सिम ट्रे का ऑप्शन। तो चलिए इसको ओपन कर लें और देख लेते हैं। तो यहीं पे आपको ये डेडिकेटेड देखने के लिए मिल जाता है और फ़ोन के लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पे आपको पावर की का ऑप्शन मिलता है और साथ में ये जो आप देख रहे हैं ये फिंगरप्रिंट भी आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाता है। तो अब चलिए मैं फटाफट इस फ़ोन को ऑन करता हूँ और मैं आप सभी को दिखाता हूँ इस फ़ोन का डिस्प्ले और साथ में बताता हूँ मैं इस फ़ोन के हार्डवेयर के बारे में। तो फ़ोन जो है फाइनली ऑन हो चुका है और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस फ़ोन के कैमरे की तो फ्रंट में जो है आपको मिलता है 16 MP का पंच होल कैमरा और AI टेक्नोलॉजी बेस्ड 2.0 मिल जाता है। तो इसका जो पिक्चर क्वालिटी है यहाँ पर आपको देखने के लिए काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा। तो ऐसे तो मैंने इससे एक दो पिक्चर क्लिक करा है सो ये नाइट में लिया गया है और कम लाइट में भी यहाँ पर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये सेल्फी से लिया गया और ये है काफ़ी कम लाइट में यहाँ पर मैंने इस पिक्चर को लिया था। अगर बात करें हम लोग इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलता है 6.5 इंच का पंच होल डिस्प्ले जो कि आता है फुल HD+ के साथ और आपको 1080p तक का रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो यहाँ पे आपको 90.5% का देखने के लिए मिल जाता है। तो डिस्प्ले जो है आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलता है और HD गेम या फिर HD वीडियो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से प्ले कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इस फ़ोन के हार्डवेयर के बारे में। तो यहीं पे हम लोग देखें तो सबसे पहले जो है आपको ओप्पो का अपना कस्टमाइजेशन वर्जन जो है कलर OS 7.0 देखने के लिए मिलता है और यहीं पर एंड्रॉयड वर्जन जो है आपको 10 देखने के लिए मिल जाता है। तो एंड्रॉयड वर्जन जो है अभी तक का लेटेस्ट है। 6 GB का रैम मिलता है, 128 GB का स्टोरेज मिलता है और आपको यहाँ पर हाइपर बूस्टर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। 128 GB में से आपको 110 GB अवेलेबल मिल जाता है। तो ये जो फोन है यहाँ पर काफी बढ़िया मिलता है। इस फोन में आपको 5000 mAh का बैटरी दे रखा है तो बैटरी बैकअप जो है आपको काफी बढ़िया देखने के लिए मिल जाएगा। तो बस आज का मेन पर्पस था आप सभी को इस फोन का डिजाइन दिखाना। तो होप करता हूँ कि आप सभी को आज का ये फोन काफी पसंद आया हो और आज का ये वीडियो भी आप लोगों को काफी पसंद आया हो। तो बस मेरे वीडियो को एक लाइक दीजिए और आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए अनबॉक्सिंग गैजेट के साथ।